हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMJ सर्विस। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप अपना आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ये सब कुछ कर सकते हैं। तो नादरा में जैसे आपने देखा कि लंबी लाइन लगी होती है तो सारा दिन बंदे का वेस्ट हो जाता है, तो यही काम अगर आप अपने घर में बैठे तो डॉक्यूमेंट आपके पास हों तो आप हाफ आवर में यानी आधे घंटे में आप सारा कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल, अर्जेंट और फास्ट ट्रैकिंग जिस तरह भी उस तरह के हिसाब से इसकी फ़ीस लहदा लहदा होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो है वो 20 दिन बाद मिल जाता है, जो अर्जेंट है वो जल्दी आपको मिल जाएगा, 7 डेज़ बाद मिल जाएगा, और जो फास्ट ट्रैक है वो आप 2 दिन बाद भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस लहदा लहदा होती है। तो सबसे पहले इसके में अप्लाई करने के पहले आपने क्या करना है कि इसमें अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना होता है। तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ आपने ये वाली जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये वेबसाइट नज़र आई है आपको, आपने वहाँ लिखना है गूगल पे id.nadra.government.pk। तो आप उसे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो यहाँ आप अपना CNIC अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन की बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको स्मॉल CNIC मिलेगा। ये नहीं आपने सोचना कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं अपना CNIC मॉडिफाई करवाने के लिए तो वो दोबारा आपको उर्दू में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको अगर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो आपको फिर स्मार्ट CNIC मिलेगा, जैसे ये नीचे पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, ये वाली इस तरह का स्मार्ट, इसे स्मार्ट कहते हैं, ये ऊपर भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले यहाँ ये देखें ऑप्शन आ रहा है कि अप्लाई फॉर CNIC, इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर आप, मैंने क्लिक कर दिया इस पर, तो इसके बाद ये आगे ओपन होगा, ये नादरा वालों की वेबसाइट है जो ओपन हो गई है, ठीक है। ये ऊपर आ रहा है कि कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC, ठीक है। ये नीचे इसने पिक्चर बताई है कि इस तरह का CNIC होता है, स्मार्ट, ये वाला, ठीक है। एक तो उर्दू में भी होता है ना स्मार्ट, ये होता है स्मार्ट CNIC, यानी इसमें इंग्लिश में भी डिटेल होती है सारी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने यहाँ पर ये जो आ रहा है इस पर अप्लाई नो पे क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी लोडिंग लेगा, जैसे इनका पेज ओपन हो जाता है वहाँ ऑप्शन दो ऑप्शन आएंगे, ये देखिए अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है कि रजिस्टर एंड अकाउंट और दूसरा कि लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, यानी अगर आप पहले से लॉग इन है तो फिर आप लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो पहले आपको अपना रजिस्टर्ड अकाउंट, इस पर एक अकाउंट रजिस्टर करना होगा, उसके बाद फिर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अब मैं ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ, रजिस्टर अकाउंट पर, ठीक है। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, रजिस्टर एंड अकाउंट। तो जैसे ही ये लोडिंग कम्प्लीट होगी तो यहाँ पर ये देखें दो स्टेप हैं। सबसे पहले आपने अगर आपका फुल नेम इम्तियाज़ डोगर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे इम्तियाज़ और फुल नेम पे आप लिखेंगे डोगर, ठीक है। इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अली मुर्तज़ा जुवेद, तो मैं जो ना ऊपर लिखूँगा फॉर नेम पे अली मुर्तज़ा और फुल नेम पे लिखूँगा जुवेद। कंट्री आपने यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है, जैसे आप पाकिस्तान के हैं, ठीक है। ये ओवरसीज़ वालों के लिए भी सहूलत है ना, अगर कोई दुबई बैठा हुआ है या सऊदीया बैठा हुआ है तो अपना कार्ड बजाय कि वो पाकिस्तान पर आए अपना CNIC कार्ड बनाने, अगर उसका वहाँ पर एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर एड्रेस लिखेगा तो उसे उसका CNIC वहाँ पे मिल सकेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र आई है जो पाकिस्तान वालों ने निकाली है, नादरा वालों ने। यहाँ पर आप ईमेल देंगे अपनी और यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे और दोबारा आप यहाँ पर रिटाइप पासवर्ड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये कैप्चा आपने यहाँ पर फिल करना है, ये JHD कैपिटल में, और आपने फिर नेक्स्ट कर देना, ठीक है। करने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा, स्टेप टू का प्रोसेस होगा ये कि आपने एक मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएंगे उन पे कि जस्ट वो आपके पास नंबर और ईमेल है, आने के बाद फिर आप उसे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये मोबाइल नंबर है, उसने कहा कि प्रोवाइड मोबाइल नंबर रजिस्टर विद BTA, यानी वो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हो वो पासवर्ड आएगा और आप उस पर फिर पासवर्ड लगाएंगे जो आपने यहाँ पर लगाया था पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर लगाने के बाद फिर आप दोबारा बैक जाएंगे, जैसे यहाँ पर अब मैंने पहले से उसे रजिस्टर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ लॉगिंग विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें इस तरह जहाँ वहाँ पर आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड लगाया था ना, वही आपने यहाँ पर लगाना है। जैसे मैं अपनी ईमेल और पासवर्ड अब यहाँ पर लगाता हूँ तो ये देखें ये ईमेल और मैंने पासवर्ड लगा दिया, और यहाँ पर आपने अपना कोड मैंशन करना। तो यहाँ पर कोड कैप्चा X54N है। करने के बाद मैं यहाँ पर इसे लॉगिन कर दूँगा। तो लॉगिन करने के बाद देखें अब इसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे स्क्रॉल अप करना है और नीचे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये डू नॉट एक्सेप्ट, ये जो ऊपर टर्म एंड कंडीशन है, और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो आपने क्या करना है कि आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया,
ये नेक्स्ट, ये यहाँ पर आ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें फीचर है कि न्यू एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, यानी आप पहले एप्लीकेशन यहाँ कंप्लीट कर रहे थे तो आपने रास्ते में छोड़ दी थी, तो वो यहाँ से आप निकाल लेंगे और एप्लीकेशन आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और नादरा की हेल्पलाइन पर नंबर भी पे कंटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू दरपेश आता है। तो यहाँ पर ये देखें नीचे कि मैंने एक एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है, यानी वो मुझे मिल चुकी है, ठीक है। यानी मैंने अपना जो CNSC था वो ऑनलाइन अप्लाई किया था तो वो अब मुझे मिल चुका था 20 डेज़ के बाद, ठीक है। स्मार्ट CNSC मैंने बनाया था तो इसलिए यहाँ आ रहा है कि इन प्रोसेस कंप्लीट वन और इन प्रोसेस वन, और एक प्रोसेस में मैंने एक और एप्लीकेशन जो थी ना ये यहाँ पर ये देखें, ये नीचे ट्रैकिंग आईडी नंबर शो हो रहा है ना ये, तो ये एक और एप्लीकेशन मैंने किसी दोस्त की दी हुई है। यहाँ पर फ़ीस कितनी थी 981 रुपये, और जब मैंने अपनी बनाया था तब 975 रुपये थे। अब इन्फ्लेशन का दौर है, यानी मौजूदा ज़माने में महंगाई की वजह से फ़ीस भी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन मैंने दी थी यहाँ पर कैंसिल, मैंने दो एप्लीकेशन कैंसिल कर दी थी, ठीक है। बाकी ये एक एप्लीकेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी स्मार्ट CNSC मुझे मिल चुका है, और दूसरा जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है। ये भी 20 या 25 डेज़ इतना ही लगता है और आपको आपका CNSC घर पर मिल जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों यहाँ तक था, तो नेक्स्ट फिर जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि न्यू एप्लीकेशन आप कैसे देंगे। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।